नमस्कार। क्या किसान आंदोलन की आड़ में कोई बड़ी साजिश रची जा रही थी? क्या हिंदू और सिखों को लड़ाने का खाका तैयार किया जा रहा था? ये तमाम सवाल तब जहन में आने लगे जब अकाल तख्त ने एक बड़ा दावा किया। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री मोदी के तीनों कृषि कानून रद्द करने के फैसले ने हर किसी को अपना मुरीद बना लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ अकाल तख्त ने इसे लेकर एक बड़ा दावा किया है जिसे सुनने के बाद आपके भी पांव के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। बता दें, प्रधानमंत्री मोदी के कृषि कानून वापस लेने के फैसले पर श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने बड़ा बयान दिया है और कहा है, कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन की आड़ में सिखों, भारत सरकार और सिखों हिंदुओं के बीच लड़ाई करवाने की साजिश रची जा रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले से उनके मंसूबे नाकाम हो गए। इसे सिर्फ एक बयान के तौर पर देखना काफी नहीं होगा, बल्कि इसके पीछे के उन नापाक मंसूबों को समझना होगा जो भोले भाले किसानों को बरगलाने का काम करते रहे हैं। बता दें, ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने एक वीडियो में इसके लिए भारत सरकार, प्रधानमंत्री मोदी समेत उनके पूरी कैबिनेट का धन्यवाद भी दिया। इतना ही नहीं, जत्थेदार ने अपने बयान में आगे कहा, कानून वापस लेने के ऐलान होने से एक बड़ी राष्ट्रीय विपदा टल गई है। आंदोलन में कुछ ऐसे गुट थे जो सिख सोच, निशान, फलसफे, इतिहास और भावनाओं को दरकिनार कर रहे थे। आने वाले समय में हमें इसके नुकसान झेलने पड़ते। ऐसे समय में जत्थेदार का ये बयान काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि पंजाब शुरू से ही किसान आंदोलन का सिरमौर बना हुआ है। पंजाब से ही शुरू होकर ये आंदोलन पूरे देश में फैला। बहरहाल, आपकी इस पर क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा।